गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है और अगर उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल फॉल होती है तो कुछ रिलेशन फॉर्म होते हैं एंगल्स के बीच में। क्लियर, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एक छोड़ के एक वाला एंगल क्या कहलाता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं और कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, और उसके हम लोगों ने क्या किए थी, दैट इज थ्योरम्स भी प्रूव की थी। और हम लोगों ने एक्सियम पढ़ा था, एक्सियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। आज हम लोग हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वापस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बार ट्राइंगल के बारे में समझ लें, फिर मैं आता हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं ट्राइंगल की तो आप सबके दिमाग में एक फिगर बन जाता है कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो ये हमने बना दिया, दैट इज एक ट्राइंगल। इतना क्लियर, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। क्लियर, देखिए ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया, लेकिन मैं 5 मिनट इसको पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को समझने में आसानी हो जाएगी। तो ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। क्लियर है, अब यहां पे वो तीन लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हो गई, एक हो गई ए बी, बी सी और ए सी। तो देखिए ए बी, बी सी एंड ए सी आर थ्री लाइन सेगमेंट्स, तो ये हो गई वो तीन लाइन सेगमेंट्स। इतना क्लियर है। नाउ हम जानते हैं अगर ये ट्राइंगल है तो क्या यहां पे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, क्या ये इसके क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों की तीरों अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले हमको ट्राइंगल समझ में आया कि सर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है कौन कौन सी हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। इसके अलावा इसमें कितने, तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो इट हैज थ्री इंटीरियर एंगल्स। इतना क्लियर, तीन इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब इंटीरियर यानी के अंदर की तरफ, तो कौन कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इतना क्लियर, और इतना तो आपको पता ही है कि इसमें तीन वर्टेक्स होंगे, दैट इज ए बी और सी, तो तीन वर्टेक्स भी होते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, दैट इज ट्राइंगल के बारे में। अब जब हम बात करते हैं हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यही हमको इधर प्रूव भी करना है कि प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
इतना क्लियर। तो सबसे पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हुई कि एक ऐसा फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, इतना क्लियर। तीन क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सी इंफॉर्मेशन थी। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां से हम हमारी सबसे पहली क्लियर एंगल सम प्रॉपर्टी की जो थ्योरम है, दैट इज 180 डिग्री, आपको यहां पे क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। तो इधर से हम जो यहां पे थ्योरम प्रूव करेंगे, तो ये हमने लिख दिया थ्योरम। थ्योरम है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 degree। आपको क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ASP ऑफ ट्राइंगल। अब इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, इतना क्लियर। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। तो सबसे पहले गिवन, हमको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, इतना क्लियर। और आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो टू प्रूव, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना प्रूव करना है? 180 डिग्री। अब इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, आप वैसे सब जानते होंगे, कि जब हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ एम एन, यहां पे मैंने एक लाइन बनाई, दैट इज एम एन, क्लियर। किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल। तो ड्रॉ एम एन पैरेलल टू बीसी, और वो कहां से पास हो रही है? पॉइंट ए से पास हो रही है, इतना क्लियर। सो ड्रॉ एम एन पैरेलल टू बी सी, तो किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, पासिंग थ्रू पॉइंट, और कहां से पास हो रही है? दैट इज ए से, तो पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, आपको प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ एम एन, तो ये हमने बना दी एक एम एन, किसके पैरेलल? बी सी के पैरेलल, और वो कहां से पास हो रही है? दैट इज ए से पास हो रही है। अब देखिए, मैं अपनी मर्जी से यहां पे क्या कर रहा हूं, कुछ एंगल्स को नेमिंग कर रहा हूं। इसको दे दिया मैंने वन, इसको दे दिया मैंने टू, और इसको दे दिया मैंने थ्री। तो मैंने यहां पे क्या किया? अपनी मर्जी से एंगल्स की नेमिंग कर दी। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, और ये हो गया थ्री, इतना क्लियर। नाउ अब हम हमारा यहां से सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले, सिंस एम एन पैरेलल है किसके? बीसी के। तो सिंस एम एन पैरेलल टू बीसी, ये किसका साइन होता है? पैरेलल का। सबको क्लियर है? तो सिंस एम एन पैरेलल टू बीसी, ये साइड इस साइड के पैरेलल, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ए बी क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल हो गई, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, इतना क्लियर। तो देखिए,
ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल, तो क्या यहां पे z बन रहा है? और अगर z बन रहा है तो क्या हम कह सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर? एंगल b के बराबर। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल b, और रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? आप खुद देखिए ये यहां पे क्या बन रहा है, z बन रहा है, तो 1 किसके बराबर? b के बराबर, और रीजन क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। इतना क्लियर? क्या दे दिया? इक्वेशन 1। नाउ वापस से MN किसके पैरेलल है? BC के। तो अगेन ध्यान से देखिएगा, MN इज पैरेलल टू BC, इतना क्लियर? तो ये साइड इस साइड के पैरेलल BC के, और AC क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, इतना क्लियर? तो अब देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल, तो क्या वापस से यहां पे z बन रहा है? तो देखिए एंगल 3 क्लियर है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल c के। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल c, और रीजन क्या आ जाएगा? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इतना क्लियर? और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 1 किसके बराबर? बी के। ये साइड इस साइड के पैरेलल, इस बार ट्रांसवर्सल कौन सी ली? ये, तो 3 किसके बराबर? दैट इज सी के। तो यहां से मैंने इसको दे दिया इक्वेशन 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इतना क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को बताइए एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? सर ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा? एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे एंगल इन अ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 की जगह पे बताइए हम क्या रख सकते हैं? एंगल भी रख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? इक्वल। तो 1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? एंगल भी। बहुत ही सिंपल। एंगल 2 हमारा ये है, ये रहा हमारा एंगल 2। यहां पे ध्यान से देखेंगे डायग्राम, तो एंगल 2 हमारा ये, और अगर ये एंगल 2 है मतलब यही आपका क्या है? एंगल ए है। क्लियर? तो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये हमने लिख दिया एंगल ए। और बताइए 3 किसके बराबर है? सी के। तो क्या हम इस 3 की जगह पे क्या रख सकते हैं? सी। तो ये हो गया सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और ये हमने यहां पे क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। तो हेंस प्रूव्ड। इतना क्लियर? तो बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले वापस से देखेंगे हमने क्या किया। सिर्फ डायग्राम में समझना है आपको, एक ट्राइंगल की बने, और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम आपको कितना बताना है? 180 डिग्री। मैंने यहां पे MN बनाया किसके पैरेलल? BC के, और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल, तो 1 B के बराबर। फिर MN अगेन पैरेलल टू BC, AC ट्रांसवर्सल, तो 3 किसके बराबर? दैट इज C के बराबर। लेकिन हम जानते हैं 1, 2 और 3 का सम तो कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो 1 की जगह पे B रखा, 3 की जगह पे C रखा, और 2 तो आपका क्या गिवन है? A। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? नोट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या? ट्राइंगल। क्लियर है?
अब हम लोग एक और टर्म सीखेंगे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. क्लियर है? तो इधर से ये ट्राइंगल को मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं. एक्सटीरियर एंगल का मतलब सबसे पहले तो मतलब समझेंगे, फिर वापस से इसके ऊपर ही एक थ्योरम भी है. एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इतना क्लियर? तो ये हो गया एक ट्राइंगल ए बी सी. अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं वो तो आपके क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स. मतलब ए बी और सी, ये तो आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स. अब लेट अस सपोज हमने क्या किया, ट्राइंगल की जो एक साइड है दैट इज बी सी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया. ये एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, और कहां तक एक्सटेंड किया, अप टू पॉइंट डी तक. क्लियर है? नाउ बी सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया. अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने बी सी को एक्सटेंड किया तो क्या यहां पे एक और एंगल का फॉर्मेशन हो गया, और वो एक एंगल कौन सा है, ए सी डी, यानी कि ये बाहर वाला एंगल. तो जब भी हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की कोई भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है बाहर की तरफ, यही आपका क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है. एक्सटीरियर का मतलब आप सब जानते हैं, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर. तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. और कौन सा हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे, एंगल ए सी डी. तो एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल. क्लियर है? अब इस एक्सटीरियर एंगल के ऊपर ही एक और हमारी क्या है, थ्योरम. तो सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझ में आया कि जब भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो बाहर की तरफ एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है. क्लियर है? नाउ अब हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है. तो थ्योरम आपको यह स्टेट करती है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. क्लियर? तो देखिए यहां पे आपको क्या बोला गया है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है? अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं. तो ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल, इतना क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल, दैट इज ए बी सी. नाउ ट्राइंगल की एक साइड को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया. तो देखिए ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया कहां तक, डी तक. आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? तो थ्योरम आपको ये स्टेट करती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. यानी कि ये वाला जो एंगल है ए सी डी, ये किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर. क्लियर? तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन. हमको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी. तो देखिए ये गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, और फिर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो ये हो गई साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट, कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, अप टू पॉइंट डी तक, सच दैट इस तरीके से. क्लियर? एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज फॉर्म. तो सच दैट एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज फॉर्म्ड. इतना क्लियर?
तो यहां पे कौन सा एंगल बन गया है, ए सी डी एंगल क्या हो गया है, फॉर्म हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो टू प्रूव एंगल ए सी डी, ये रहा आपका एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर, क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता है इसका, सिंस क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन वन, इतना क्लियर। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्या हो गया, दैट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ अब एक को बताइए, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, अगेन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, इतना क्लियर है। अगेन नाउ एंगल सी, ये रहा आपका एंगल सी, तो एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी, क्लियर है। तो एंगल ए सी डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यही आएगा। और रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। और इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन टू दे दिया। तो बहुत ही सिंपल, ए बी सी का सम कितना हो गया, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एंगल सी और एंगल ए सी डी का सम कितना हो गया, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखिए, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट, क्योंकि ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर। तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर, एंगल सी प्लस एंगल ए सी डी के बराबर, यही आएगा, क्योंकि ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर। नाउ एंगल सी से एंगल सी तो क्या हो गया, कैंसिल, तो बताइए एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर, एंगल ए सी डी के बराबर। क्या हमको यही प्रूव करना था, तो यहां पे ये हमने लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या गिवन है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, क्लियर है, नोट करेंगे।